क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्रिय भाई और बहनों एवं प्रिय बच्चों, आज पवित्र शुक्रवार गुड फ्राइडे के दिन हम लोग यहाँ पर इस गिरजाघर में उपस्थित हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग एवं उनके क्रूस स्मरण और पीड़ा सहन के बारे में मनन चिंतन करने के लिए। करीब 2000 साल पहले भरी दोपहर में जिस आदमी को करीब करीब नंगे अवस्था में कोड़ों से मार कर परित्याग करके निंदा सूचक क्रूस पर जिस आदमी को मार दिया था, उसे सदियों बाद भी हम लोग मसीहा मानते हैं और उनकी मृत्यु को याद करते हुए आज हम लोग इस गिरजाघर में यहाँ उपस्थित हैं। दुनिया भर के इतिहास में कई हजारों में लोग मारे गए जिन्हें हम लोग महान कहकर पुकारते थे, लेकिन प्रभु ईसा मसीह के जैसे कोई नहीं है जिसकी मृत्यु को इस कदर हम लोग याद करते हैं। हम लोगों को प्रभु ईसा मसीह के जन्म के बारे में हम लोग याद करते हैं, उनके पुनरुत्थान के बारे में भी याद करते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में याद करते हैं, पवित्र सुसमाचार हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनके क्रूस हमारे लिए हमेशा एक समस्या है, क्योंकि क्रूस एक दुख भोग, निंदा और पीड़ा सूचक चिन्ह है। ये आज ही नहीं, सदियों से ऐसा ही चले आ रहे हैं। लोगों को प्रभु ईसा मसीह ने जो बातें बताया था उस पर लोग गर्व करते हैं, उस पर लोग मनन चिंतन करते हैं, उनके कई सारे चमत्कारों के बारे में लोग बातें करते हैं और आज भी अपने अपने जिंदगी में, अपने समाज में उसे दोहराने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कोई भी उनके जैसे क्रूस पर चढ़े जाने का बात करते ही नहीं है। फिर भी हम लोग पवित्र शुक्रवार मनाते हैं। पवित्र शुक्रवार के दिन ईश्वर अपने आप को आत्मबलि चढ़ाते हुए क्रूस पर अपने आप को सारी मानव जाति के लिए अपना आत्मबलि चढ़ाया। उत्पत्ति के ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 21 में हम लोग देखते हैं, जब आदम और हवा ने पाप करके पिता ईश्वर के सामने से अपने नंगा पंगा हवाला कर देते हुए जब हट गए थे, उन्हें वस्त्र देने के लिए उन्होंने खाल से वस्त्र बनाकर उन्हें ओढ़ दिया था। शायद वहीं से एक बलि का शुरुआत हो गया। उनके नंगापन को हटाने के लिए, उसको ढकने के लिए पिता ईश्वर ने पहला बलि ली और उसी क्षण शायद पिता ने यह सोच लिया होगा, ये नंगापन एक खाल से नहीं लेकिन पूर्ण रूप से ढकने के लिए अपने पुत्र को भेजने के लिए उन्होंने वादा करते हैं और उस वादा को निभाते हुए प्रभु ईश्वर ने ईसा मसीह को, अपने पुत्र को इस धरती पर भेज दिया और अपने पिता के वादा को पूरा करने के लिए, प्रतिज्ञा का पूरा करने के लिए ईसा मसीह ने कलवारी पहाड़ी पर अपना आत्मबलि चढ़ाते हैं। उसी दिन से मैं और आप पूर्ण रूप से पवित्रता की एक चादर में लपेटे हुए हैं। यही है पवित्र शुक्रवार का संदेश। पवित्र शुक्रवार के दिन हम लोग प्रभु ईसा मसीह के जिंदगी के बारे में याद करें। उनके चमत्कार पर उन्हें आश्चर्य होता है, उनकी अच्छी कहानियों पर वो गौर करते हैं, लेकिन ये सब मात्र उनके संदेश का एक हिस्सा है। उनका संदेश का हृदय वो एक क्रूस है जिस पर उन्होंने अपना आत्मबलि चढ़ाया और उस क्रूस की ओर मुझे और आपको वो आमंत्रित करते हैं। इसलिए प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से और हमसे उसी दिन और आज कहते हैं कि हमें से प्रत्येक को अपना अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे होना है।
तभी मैं और आप सच्चे क्रिस्त शिष्य कहलाएंगे। प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस पर भारी यंत्रणाएं सहते हुए अपने आत्मबलि इसीलिए दी क्योंकि मैं और आप उस तरीके के यंत्रणाओं से वेदनाओं से ना गुजरे। उन्होंने अपना स्थान हमें देकर हमारा स्थान अपना लिया। हमने हमारे पूर्वजों ने जो पाप किया था उसके बदले जो पापों की मुक्ति के लिए जो खून की जो बलि चढ़ाने जाना था वह जगह उन्होंने ली। अपने बलि द्वारा हमें और आपको पाप से मुक्ति दिलाया। क्रिस्त की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के कारण ही हमें आनंद जीवन की आशा है। क्रूस एक ज़रूरत है मेरे और आपकी ज़िंदगी में। जब तरह तरह की दुख तकलीफ परेशानियां आ जाते हैं तो मेरा ज़िंदगी में जो क्रूस है उसे अपने कंधे पर लेकर मैं क्रिस्त के पीछे जब चले जाते हैं तब मैं एक दूसरा क्रिस्त बन जाते हैं। दुख संकट एवं वेदना का प्रतीक है क्रूस। मेरे जिंदगी में भी आपकी ज़िंदगी में भी कई तरह के दुख संकट और मुसीबतें चले आते हैं। जब अपने लोग आपको टुकरा देते हैं, जब आपको असहनीय पीड़ा में आपको छोड़कर वे लोग चले जाते हैं, अपमान और दुख के क्रूस आपके ऊपर लाद कर वे लोग किनारे हो जाते हैं, तब आप एक दूसरे क्रिस्त बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस एक विजय का चिन्ह है क्योंकि संत योहन के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 12 पद संख्या 24 में प्रभु कहते हैं, गेहूं का दाना जब तक मिट्टी में गिरकर अपना अस्तित्व नहीं खो देता तब तक वो अकेला ही रहता है। अगर वो मिट्टी में गिरकर अपना अस्तित्व खो देता है तो वो बहुत फल उत्पन्न कर देता है। प्रभु यीशु मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह का निधावन करते हुए अपना अपना जिंदगी में जो क्रूस है, दुख संकट परेशानियां हैं, उसे अपने कंधों पर लेकर अपने जिंदगी को प्रभु के साथ ले जाना है। तभी मेरा और अपना अस्तित्व हम लोग खो देंगे और तभी हम प्रभु के साथ पुनरुत्थान में भागी होंगे। क्रूस से बड़ा ज्ञान और क्रूस से बड़ा सत्य हम कहाँ पाएंगे। इसलिए संत पेत्रुस प्रभु से कहा था कि प्रभु हम कहाँ जाए। कलवारी पहाड़ी पर हम लोग दो अहम बातें देखते हैं, एक मनुष्य के पतन की गहराई और मनुष्य को मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर ने जो बलि के द्वारा उन्हें जो क्षमा दी उसकी ऊंचाई। प्रिय भाई और बहनों, आज पवित्र शुक्रवार के दिन प्रभु के दुख भोग एवं मृत्यु पर हम लोग गहन तरीके से मनन चिंतन करते हुए आज प्रार्थना करें। अपने अपने जिंदगी में जो दुख तकलीफ परेशानियों से हम लोग जो घिरे हुए हैं उससे भी बढ़कर उसका कारण जो है मेरा और अपना पाप, जिसके जरिए जिसके नीचे दबकर अपना जिंदगी जो तबाह हुआ है, लेकिन उससे आगे जो आशा है प्रभु के क्रूस पर, जो हमारा आशा है प्रभु के क्रूस पर, जो हमारा मुक्ति है उस पर आसरा रखते हुए अग्रसर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आज के पवित्र मिसा और अन्य प्रार्थनाओं में हम लोग अपने और अपने परिवार, अपने प्रियजनों को याद करते हुए उन्हें समर्पित करते हुए प्रार्थना करें ताकि आज इस पवित्र शुक्रवार के दिन प्रभु का क्रूस मेरे और आपकी ज़िंदगी में, माथे पर, अपने शरीर में, अपने हृदय में, अपने जिंदगी में, समाज में उतर जाए ताकि शैतान की हर प्रकार की बाधाओं से, हर प्रकार की विपत्तियों से हम और आप परिपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से बचते रहे और मुक्ति हमारे जिंदगी में हम लोग भरपूर मात्रा में प्राप्त कर सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Thank you.